हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलवानो ऐप। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखने वाले हैं कि ट्राइंगल डिफरेंट डिफरेंट कितने तरह के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो सब आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप ट्राइंगल्स को मेनली जो क्लासीफाई करते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं, या तो एक साइड्स के बेसिस पर और या फिर एक एंगल्स के बेसिस पर। साइड्स के बेसिस पर, उनकी साइड अलग होगी, डिफरेंट होगी, सेम होगी, ये होगी, वो होगी, तो इन सब तरीके से हम बेसिकली मेनली तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, एक स्केलन ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर एंगल्स पे बात किया जाए तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, वो सब हम लोग छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होते हैं। जिसकी दो साइड इक्वल हो जाएं, कोई भी दो साइड केवल इक्वल हो, उसको हम आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलते हैं। तीनों साइड इक्वल हो गई तो इक्विलेटरल, और एक भी साइड इक्वल नहीं है तो उसको हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों के तीनों एंगल्स जो है वो एक्यूट हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो है हमारा 90 से ज़्यादा हो और बाकी दोनों छोटे रहेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या बोल रहे हैं, स्केलन ट्राइंगल जो मैंने अभी बताया, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर अनइक्वल, आइसोस्केलस इट हैज टू इक्वल साइड्स, ऑल्सो द एंगल्स अपोजिट दीज इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल में क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल्स जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होंगे, क्योंकि 60 प्लस 60 प्लस 60 तभी 180 मिलने वाला है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, एक ट्राइंगल हैविंग ऑल इट्स साइड्स लेस देन 90 डिग्री, ऑल इट्स एंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, इसमें एक एंगल्स जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा और बाकी दोनों जो है वो एक्यूट होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, एक एंगल्स जो है वो कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब ऑब्ट्यूस होना चाहिए। तो यही क्लासिफिकेशन है, अब इन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कि सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। फिर क्या बोला गया, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, किन्हीं भी दो साइड्स का, मान लीजिए लेट से मेरे पास ये ट्राइंगल है, आप कोई भी दो साइड्स ले लेंगे ए बी सी, लेट से ए प्लस बी ले लिया, बी प्लस सी ले लो, सी प्लस ए ले लो, तो जब आप ए प्लस बी ले रहे हो वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, जब आप बी प्लस सी ले रहे हो वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, मतलब ए से बड़ा होगा, ए प्लस सी ले रहे हो तो मतलब वो बी से बड़ा होगा, तो किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा ही होना चाहिए। फिर बोला गया है, इन द सेम वे द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, अगर आप कोई भी दो साइड का डिफरेंस ले लेते हैं, लेट से मोड ए माइनस बी, हमें नहीं पता है ए बड़ा है कि बी बड़ा है इसलिए हम मोडुलस लगा रहे हैं, तो ये जो होगा ये सी से छोटा होगा, अगर आप बी और सी का डिफरेंस लेंगे तो ए से छोटा होगा, ए और सी का डिफरेंस लेंगे तो वो बी से छोटा होगा। तो जिस तरह आप सम के ऊपर कमेंट कर सकते हो वैसे ही हम दो साइड्स के डिफरेंस के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। फिर क्या बोला गया, द साइड अपोजिट द ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, आपको पता है कि हम लोग जो है साइन रूल भी पढ़ चुके हैं, साइन रूल के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, या ये चीज वैसे ही समझ में आ जाती है कि लेट से ये एंगल है मेरे पास इस तरह से, और हमें दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये क्लियरली ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज्यादा है, जब ये एंगल 90 से ज्यादा है तो इसके जो सामने वाली साइड है वो लेंथ में ऐसे ही हमें डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि वो बड़ी होगी, अगर नहीं है तो फिर हम साइन रूल से भी इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्या बोला गया है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम सब लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी होती है, मान लीजिए ये मेरा ट्राइंगल है, अगर मैं ये साइड, ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है, अगर मैं इस बी सी लेंथ को एक्सटेंड कर दूं तो जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल होता है ये किस किस के इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल ये चीज हो जाएगी। कैसे होती है वो सब डेरिवेशन हम ऑलरेडी सीख के आ चुके होते हैं, छोटी क्लासेस में अगर देखना भी है तो फिर भी देख सकते हो। अगर ये एंगल सी है तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री, तो यहाँ से एंगल सी अगर इसको छोड़ दें तो ये एंगल दिस प्लस दिस, अगर मैं इसको x बोल देता हूँ तो x प्लस एंगल c कितना देगा, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर्स हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो x कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल c, अगर आप इन दोनों को देख के 180 माइनस एंगल c बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल a प्लस एंगल b, तो हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि जो हमारी ये एंगल होगा दैट इज द सम ऑफ एंगल a प्लस एंगल b। तो इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द लेंथ ऑफ देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मान लीजिए लेट्स से कि एक ये ट्राइंगल है और एक ये छोटा सा ट्राइंगल है, इसकी बोल रहे हैं हम ए वन बी वन सी वन, इसको बोल रहे हैं ए वन ए टू बी टू सी टू,
ए टू बी टू सी टू। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू है, इसके साथ साथ जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए, और जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो हम बोल देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबको पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, हमें भी पता है कि सम ऑफ थ्री साइड्स जो है वही हमारा पैरामीटर होगा, क्योंकि अगर ये नहीं पता होता तो अब तक इतनी आगे बढ़ नहीं पाते। जो हमारा एस था वो क्या था, पैरामीटर का हाफ ही तो था, सेमी पैरामीटर ही तो बोलते हैं इसको, तो पैरामीटर को टू से डिवाइड करने से हमें एस मिलता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बोला जा रहा है कि अगर ए कोस बी, अगर बी कोस ए के इक्वल हो जाए तो जो हमारा ट्राइंगल है वो आइसोस्केलस होगा। क्यों, देखो कोस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, और इधर कोस ए को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, टू से टू कैंसिल। इस सी को इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी क्यूब माइनस सी बी स्क्वायर। सी को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए स्क्वायर सी, ये बन जाएगा। यहाँ से सी क्यूब हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं सी से डिवाइड कर दूँ तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर ले आओ तो टू ए स्क्वायर बन जाएगा, और उधर जाओगे तो टू बी स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो क्लियरली यहाँ से क्या मिल गया, ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी मिल रहा है, मतलब दो साइड ट्राइंगल की इक्वल हो चुकी हैं। अगर दो साइड इक्वल हैं तो हम क्या बोल देंगे कि ट्राइंगल कैसा है, आइसोस्केलस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर ए कोस ए इक्वल्स टू बी कोस बी हो गया, बिल्कुल इसी तरह से उसका भी प्रूफ होगा। कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर ए कोस ए इक्वल्स टू बी कोस बी है तो आप क्या लिखोगे, ए इंटू कोस ए को लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, और बी कोस बी, कोस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ए को अंदर अगर यहां से हम देखें तो सी से सी कैंसिल, ये बच रहा है बी, इधर बच रहा है ए। जब इस ए को इधर लेकर आएंगे तो ए इंटू ए बनेगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए पावर फोर। ये बी जब उधर जाएगा इस बी से मल्टीप्लाई होकर बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी पावर फोर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर हम बी स्क्वायर सी स्क्वायर को उठा के इधर लेकर आते हैं तो बनेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पावर फोर माइनस बी पावर फोर। इसको उधर लेके गए, इसको इधर लेकर आए, इसमें से सी स्क्वायर कॉमन ले लो। जब आप सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो यहां से डायरेक्ट कैंसिल नहीं करोगे, जब भी हम इस तरह से फैक्टर्स कैंसिल करते हैं तो उसको इक्वल टू जीरो भी लिखते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो उससे हमारे रूट्स कैंसिल हो जाते हैं, तो वो रूट्स ना जाएं उसके लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो एक कंडीशन ले लेंगे। यहां से आएगा ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी क्या शो कर रहा है कि एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ये तो दे ही दिया हमें। इसके बाद हो सकता है यहां से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी तो बचेगा, और ये क्या है, पाइथागोरस, ये क्या है हमारी पाइथागोरस। इस तरह से कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस ट्राइंगल के लिए दिया हुआ है। अगर सी हाइपोटेनस है तो इसके सामने वाला एंगल कितना है, सी, तो वही बोला गया है कि ये जो ट्राइंगल होगा ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा और एक राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा हमारे पास। राइट एंगल कहाँ होगा हमारा, सी, ये कंडीशन है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो एट आर स्क्वायर के इक्वल होती है, और दूसरा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी भी किसके इक्वल होगा, वन के। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, तीनों साइड्स इक्वल होने वाली है हमारी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि कैपिटल आर इक्वल्स टू टू टाइम्स स्मॉल आर। हमें पता है कि जो सर्कम रेडियस होती है वो क्या होती है, सर्कम रेडियस होगी हमारी ए बी सी अपॉन फोर डेल्टा। ए इंटू बी इंटू सी कितना बन जाएगा, ए क्यूब, क्योंकि सारे के सारे इक्वल हैं, और फोर डेल्टा, डेल्टा मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, वो हमें पता है वो कितना होता है, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, फोर से फोर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए क्यूब को कैंसिल करेंगे तो बचेगा ए बाय रूट थ्री। ये तो हमारा आया सर्कम रेडियस। अब मैं देख लेता हूँ कि ये टू टाइम्स इन रेडियस जो है क्या ये सेम आएगा, तो टू टाइम्स इन रेडियस को अगर हम देखते हैं तो इन रेडियस क्या होती है, डेल्टा बाय एस, डेल्टा बाय एस,
अगर हम डेल्टा की बात करें तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एरिया कितना होगा हमारा रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, और सेमी पैरामीटर कितना होगा सम ऑफ साइड्स बाई टू, मतलब थ्री ए बाई टू, तो ये बन जाएगा यहाँ से थ्री ए बाई टू। अगर इस टू को हम ऊपर लेके जाते हैं तो टू इंटू टू कितना बनेगा फोर, वो फोर इस फोर से कैंसिल हो जाएगा, ए के से ए के जाएगा, तो ये बनेगा ए अपोन थ्री को जब रूट थ्री से डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना रूट थ्री, तो यहाँ से ए बाय रूट थ्री ए बाय रूट थ्री, तो इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट्स सही हैं। आप ये बोल सकते हो कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सरकम रेडियस है वो इन रेडियस के टू टाइम्स होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्स रेडियस की भी बात चल रही है, तो एक्स रेडियस का भी देख लेते हैं। एक्स रेडियस के केस में क्या होगा आर वन आर टू आर थ्री, हमें पता है कि आर वन जो होता है वो होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, आर टू जो होता है वो होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और R3 जो होता है वो कितना होता है डेल्टा अपॉन S माइनस C। अब डेल्टा तो हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि मुझे पता है कि A, B, C सब इक्वल हैं, तो मैं C को A से रिप्लेस कर सकता हूँ। सिमिलरली आप इसको भी A से रिप्लेस कर सकते हो, और ये तो ऑटोमेटिकली डेल्टा अपॉन S माइनस A है ही। आप देख सकते हो कि तीनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तीनों कैसे आ रहे हैं इक्वल। मैं डेल्टा अपॉन S माइनस A की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो डेल्टा तो हमें पता ही है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। S कितना है हमारा 3a by 2, S कितना है 3a by 2 माइनस a कितना होगा, a हो जाएगा यहाँ से हमारा a, तो a है ही सही, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं रूट थ्री बाई फोर इंटू ये बनेगा 3a by 2 माइनस a by 2 इज a by 2, a के से a के जाएगा तो ऊपर बचेगा a, नीचे बनेगा 1 by 2, तो रूट थ्री a by 2 ये बच जाएगा। अब बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये इक्वल है 3r by 2 के, तो 3R by 2, तो 3 into 3 by 2 into R, R को हम क्या लिख सकते हैं ABC upon 4 delta, ABC upon 4 delta, A into B into C कितना बनेगा A cube upon 4, delta की जगह हम क्या लिख सकते हैं root 3 by 4 A square, 4 से 4 cancel, A square से ये cancel, यहाँ से बचा कितना ये root 3 by 2 A, यही आ रहा है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये रिलेशन होल्ड करेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आर इज टू आर इज टू आर वन, मतलब इन रेडियस का रेशियो सरकम इन रेडियस सरकम रेडियस और एक्स रेडियस का जो रेशियो है वो वन इज टू टू इज टू थ्री होता है, किसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसे होता है देखिए, आर जो होगा वो क्या होगा हमारा डेल्टा बाय एस, अभी अभी हम देख के आए थे डेल्टा होगा रूट थ्री बाय रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, और ये कितना होगा हमारा 3a by 2, तो 2 to the 4 ये a से a cancel, यहाँ बच जाएगा आपका इसको अगर हम देखें तो ये है root 3 by 4a square upon s कितना है हमारा 3a by 2, ये a से a के cancel, यहाँ से बनेगा आपका root 3 upon 4 into 2 by 3a, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 अपॉन 2 रूट 3a, क्योंकि रूट 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो रूट 3 बचेगा और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये क्या आ रहा है हमारा स्मॉल r, दैट इज इन रेडियस। अब अगर मैं बात करता हूँ सरकम रेडियस की, तो सरकम रेडियस क्या हो जाएगी हमारी ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, दैट इज a क्यूब अपॉन 4 इंटू रूट 3 बाय 4 a स्क्वायर, a स्क्वायर से ये कैंसिल होगा 4 से 4 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा a बाय रूट 3। अगर हम बात करें सरकम एक्स रेडियस की, तो एक्स रेडियाई कितनी होगी अगर आर वन की बात करें, हमें पता है आर वन आर टू आर थ्री सब कुछ सेम है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, दैट इज रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर अपॉन एस होगा हमारा थ्री ए बाय टू माइनस ए, तो बचेगा रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर अपॉन ए बाय टू, ए से एक ए कैंसिल, इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा रूट थ्री ए बाय टू, ये क्या है हमारी एक्स रेडियस, ये क्या है हमारी सरकम रेडियस, ये क्या है इन रेडियस। अगर मुझे इनका रेशियो चाहिए इन रेडियस इज टू सरकम रेडियस इज टू एक्स रेडियस, तो ये कितना आएगा a बाय टू रूट थ्री इज टू a बाय रूट थ्री इज टू रूट थ्री बाय टू a, ये रेशियो है। अगर हम इसे पूरे को टू रूट थ्री अपॉन a से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरे रेशियो को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ टू रूट थ्री अपॉन a से, तो देखो ये बनेगा यहाँ से वन, जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो a बाय रूट थ्री से, तो रूट थ्री कैंसिल, a a कैंसिल, बचेगा कितना टू इज टू। अब हमारे पास क्या है रूट थ्री बाय टू a को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू रूट थ्री अपॉन a से, a a कैंसिल, टू टू कैंसिल, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना बच गया थ्री, तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि ये जो रेशियो है कितना आएगा वन इज टू टू इज टू थ्री आने वाला है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें पता है ये रूट थ्री ए स्क्वायर बाय फोर होता है,
और जो सर्कम रेडियस आप देख रहे हो दैट इज ए बाय रूट थ्री, ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के हम ये रिजल्ट्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, आउटसाइड ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल एंड मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। हमें पता है ये चीज कि सर्कम सेंटर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। दूसरी डेफिनेशन ये है कि सर्कम सेंटर एक ऐसे सर्कल का सेंटर है जो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स को टच करते, तीनों कॉर्नर्स को, तीनों वर्टाइसिस को टच करते हुए जाएगा। अगर मान लो ये मेरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन जाता है, अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनता है, देखिए डायमीटर पर अगर मैं बना रहा हूँ तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन इसके बाहर अगर आप यहाँ से बना देंगे तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल इस तरह का दिखेगा। इस ट्राइंगल के, इस सर्कल का जो सेंटर है ऑब्वियसली बात है इस ट्राइंगल के तो बाहर लाई कर रहे हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए जो सर्कम सेंटर होगा वो ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो आप ये देख रहे हो इसके लिए क्या होने वाला है, ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा, जो ये आप देख रहे हो हाइपोटेन्यूस, इसी का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्थो सेंटर की, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है वो राइट एंगल का वर्टेक्स ही होता है, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में जो वर्टेक्स बनता है जिस पर 90 डिग्री होता है वही हमारा ऑर्थो सेंटर है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑर्थो सेंटर है दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, ये हमारा एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो अगर आप इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड मतलब BC पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो यहां आएगी, और C से अगर आप AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो यहां आएगी। तो इन दोनों साइड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहां मिल रहा है, ये, तो यही क्या है हमारा ऑर्थो सेंटर। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इंटरनली इन द रेशियो 2:1 एक्सेप्ट इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए ये चीज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं डिटेल में कि OGC ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड सर्कम सेंटर। OGC जो होता है सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड इन सेंटर ये सारे क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं एक ही पॉइंट पर, जो सेंट्रोइड होगा वही ऑर्थो सेंटर होगा वही सर्कम सेंटर भी होगा वहां पर, तो इसीलिए बोला गया। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे ट्राइंगल के लिए हम लोग पढ़ते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहां पर क्या हो जाता है हमारा, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो ऑब्वियसली चार साइड्स होने वाली हैं। अगर ये मान लीजिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, तो यहां पर भी हम S निकालते हैं, S क्या होगा इस पूरे का पैरामीटर का हाफ मतलब सेमी पैरामीटर, तो S बिल्कुल वैसे ही निकलेगा। और यहां पर जो एरिया बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दैट विल बी रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी, और वही बोला गया है कि ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की साइड्स की लेंथ होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, रेस्ट विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग लेक्चर। सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।